हेलो दोस्तों, नमस्कार, आप सभी का स्वागत है राधे की रीजनिंग यूट्यूब चैनल पर। तो 75 डे चैलेंज, पजल चैलेंज में आज आपका तीसरा दिन है और डे थर्ड में आज हम डेज की पजल लगाने वाले हैं। और बहुत सारे बच्चे, जैसे कुछ कुछ बच्चे ये भी कह रहे हैं कि सिटिंग अरेंजमेंट, हाँ वो सारी चीज़ें होंगी 75 डे, ठीक है। अभी थर्ड डे चल रहा है तो मेंस के भी और भी अच्छे अच्छे सवाल भी आने हैं, सिटिंग अरेंजमेंट भी आना है, तो वो सारी चीज़ें लेके चलेंगे और धीरे धीरे चीज़ों को कवर करते जाएंगे। अभी क्या है, जैसे बहुत सारे बच्चों का थोड़ा सा लेवल क्या है, शुरुआत लेवल होता है, तो उसको भी ध्यान में रखते हैं, चीज़ें लेके चल रहे हैं, थोड़ा सा एडवांस भी रख रहे हैं, आगे बहुत सुंदर सुंदर पजल भी हम रखेंगे और सिटिंग अरेंजमेंट भी रखेंगे। तो डे थर्ड की पजल है, उसको जरा हम करते हैं। एक नया इनिशिएटिव है, आप लोग इसको लेके चलिए, डेली बेसिस पे क्वेश्चंस लगाइए, पता नहीं कौन सा क्वेश्चन आपके सामने खुले तो उस क्वेश्चन को एज अ चैलेंज आप सॉल्व करिए और सॉल्यूशन देखिए। कभी भी आपके सामने बड़ा सवाल भी आ सकता है, छोटा सवाल भी आ सकता है, ठीक है। तो डे थर्ड में आपके सामने डेज की पजल है, जैसे कि हमने पहले भी किया हुआ है, डे वन में किया था। यहाँ पे क्या कहता है, सबसे पहले आप ट्राई करेंगे तो 7 पर्सन है, 7 पर्सन कलर भी दे रखा है। दे विजिट इन मॉल इन डिफरेंट डे फ्रॉम मंडे टू संडे, एक वेरिएबल के साथ है, जैसा कि आप पीयू प्रीलिम्स में जनरली ऐसा सवाल देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, आपके 7 डेज में हमें चीज़ों को अरेंज करना है, कलर भी है और पर्सन भी है, हिंदी इंग्लिश दोनों में, पहले आप ट्राई करेंगे और उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूँगा तो फिर आप सॉल्यूशन देखेंगे, पॉज करके आप ट्राई करना, ठीक है। नाउ, जैसे हमने अगर करना स्टार्ट किया तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम बेस बनाएंगे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। 7 डेज में पर्सन के साथ क्या है बच्चे, कलर है, तो हमने ये बेस बना लिया। एक चीज़ का ध्यान रखेंगे कि डे में हम साइक्लिक ऑर्डर लेके नहीं चलते, इट मींस क्या हो गया कि हम मंडे से पहले संडे कंसिडर नहीं करेंगे, संडे के बाद मंडे नहीं करेंगे, पहले हम करेंगे पार्टे, क्या करेंगे पार्टे करेंगे। तो हमने जैसे किया ए विजिट वन ऑफ द डे, एक होता वन डे आफ्टर, वन डे आफ्टर थर्सडे का मतलब है फ्राइडे, लेकिन वन ऑफ द डे आफ्टर थर्सडे का मतलब क्या हो जाएगा, वन ऑफ द डे आफ्टर थर्सडे मतलब ए हमारा फ्राइडे हो सकता है, सैटरडे हो सकता है, संडे हो सकता है, लेकिन कहता है ए और बी के बीच में क्या है, 4 लोग हैं। अगर हमने ए को फ्राइडे किया तो इधर 2-4 छुड़कर नहीं आएगा, 1-2-3-4 छुड़कर बी नहीं आएगा, तो फ्राइडे आएगा नहीं, सैटरडे हो सकता है या संडे हो सकता है। सैटरडे होगा तो 1-2-3-4 छोड़कर यहाँ पे भी हो सकता है और संडे होगा तो यहाँ पे हो सकता है, तो बी और ए के बीच में क्या हो गया, 4 लोग हो गए। ए क्या होगा, बाद में इनडायरेक्टली कन्फर्म हो गया। आगे देखो, जिसका रेड कलर है इमीडिएटली आफ्टर बी से, तो बच्चे बी के तुरंत बाद क्या होगा, रेड कलर होगा, अभी बी का कन्फर्म नहीं है। 1% बिटवीन रेड एंड ब्लू, रेड और ब्लू के बीच में क्या होगा, 1% होगा, ठीक है। कहता है द वन हू लाइक व्हाइट कलर विजिट वन ऑफ द डे बिफोर सी, सी से कहीं पहले, सी से कहीं पहले क्या है, व्हाइट कलर है, सी से कहीं पहले क्या है, व्हाइट कलर है। अच्छा, जिसका व्हाइट कलर है वो मंडे में नहीं है, तो मंडे में आप व्हाइट को क्या कर दो, कैंसिल कर दो, लेफ्ट साइड में रिप्रेजेंटेशन लेके चल रहे। अच्छा, डी क्या है, ई से पहले है और डी और ई के बीच में 1 है, और डी का क्या है कनेक्टिंग सेंटेंस, येलो कलर, क्या करेंगे, डी और ई के बीच में 1 है, डी पहले है और डी का क्या है बच्चे, येलो कलर है। नंबर ऑफ पर्सन, अब ये कंडीशन बहुत अच्छी है, इसको ध्यान से पढ़ना, नंबर ऑफ पर्सन हु विजिट बिटवीन ए एंड द वरुण लाइक ब्लू कलर, ए और ब्लू के बीच में जो नंबर ऑफ पर्सन है इज वन लेस, वो 1 कम है, ए और ब्लू के बीच में जितने लोग हैं वो 1 कम है, किससे, जितने लोग बी और सी के बीच में। इसका मतलब है अगर बी और सी के बीच में 4 हैं तो ए और ब्लू के बीच में 3 होंगे, बी और सी के बीच में 3 हैं तो ए ब्लू के बीच में 2 होंगे, तो जितना भी बी और सी के बीच में है उससे 1 कम होगा किसके, ए और ब्लू के बीच में, क्या समझे, बी और सी में अगर 4 हैं तो यहाँ पे 3 होंगे, यहाँ पे 2 हैं तो यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे अगर 1 है तो यहाँ पे कोई नहीं होगा। जी और एफ का ब्लैक कलर नहीं है, उनका वाइट भी नहीं है, जी और ई का सैटरडे नहीं है,
और बच्चे जी का ग्रे नहीं है। ये हमारा पार्ट ए होगा। किसी भी सवाल में पार्ट ए बहुत महत्वपूर्ण होता है, चाहे पजल प्रीलिम्स की हो, मेंस की हो, छोटी हो, बड़ी हो। अब सुनो, अब इसको हम क्या करेंगे, क्रॉस चेक करेंगे। तो क्रॉस चेक कैसे करेंगे, मेरी बात ध्यान सुनो। सबसे कम पॉसिबिलिटी जिसकी है किसी भी पजल में, हम ये धे लेके चल रहे हैं और डेली डेली बेसिस पे जब आप चीज़ों को देखेंगे ना, तो अपने आप ही आपके एक अंदर एक हैबिट डेवलप होने लग जाएगी, एक चीज़ों की समझ आपके अंदर बनने लग जाएगी। इसलिए हम 75 डे का चैलेंज लेके चल रहे हैं। और मैं एकदम से, आप पॉज करके सॉल्व ट्राई करते हो, फिर मैं एकदम से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जिससे कि कम समय में आपको चीज़ें ज़्यादा मिल सके। ये भी पर्पज है, ऐसा नहीं अननेसेसरी मैं आपको क्या करूँ, आधा घंटे पौन घंटे एक घंटे तक दो पजल कराऊँ। मेरे को दो पजल करानी है, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आपके समझ में आ सके और कम समय में आपके सामने रिजल्ट आ सके, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, ए और बी की पॉसिबिलिटी कम है, मैं चेक करूँगा। अगर मैं बी को यहाँ लेता हूँ तो 1 2 3 4 यहाँ पे क्या होएगा, ए होएगा। बी के जस्ट बाद क्या हो जाएगा बच्चे, रेड हो जाएगा। रेड ब्लू में एक है तो ऊपर आएगा नहीं, नीचे छोड़ के ब्लू आ जाएगा। अब ए ब्लू में कितना आ रहा है, 1, तो बी और सी में कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। फिर तो बी यहाँ पे, तो यहाँ पे सी आ जाएगा। सी से पहले कहीं वाइट है, मंडे में वाइट है नहीं, सी से पहले वाइट है और मंडे में वाइट है नहीं, तो यहाँ पे वाइट आ जाएगा। ये पॉसिबिलिटी लेके चल रहे हैं स्मॉल में। उसके बाद देखो, ई से पहले डी है, डी का येलो है, ई यहाँ पे होगा नहीं, यहाँ पे होगा नहीं, ई यहाँ पे रखोगे तो डी नहीं आएगा, तो ई यहाँ पे आएगा और डी यहाँ पे आएगा और डी का क्या है, येलो है। अब सुनो, यहाँ पे 2% बच्चे जी और एफ, जी और एफ दोनों का ब्लैक और वाइट नहीं है, तो जी और एफ यहाँ पे, जी और एफ में से कोई ना कोई आएगा और दोनों का क्या नहीं है, वाइट नहीं है, तो दोनों का वाइट नहीं है, तो संभावना क्या होगी, कैंसिल। मतलब हमारे क्वेश्चन में संभावना थी जिसको हम क्रॉस चेक कर रहे हैं, संभावना तो है और संभावना थी कि बी यहाँ होगा या फिर यहाँ होगा, तो जो जितनी जल्दी क्रॉस चेक करेगा उतनी जल्दी पजल पे उसकी कमांड बनती है। तो यहाँ पे आपने क्रॉस चेक किया और क्रॉस चेक करके समझ में आ गया कि ओके दिस पॉसिबिलिटी इज कैंसिल नाउ। अगर आप बी को यहीं पे चेक कर रहे होते तो हो सकता है एक बार में आपको सॉल्व हो जाता है। इसलिए हम कहते हैं कि पजल ऐसा नहीं है फिक्स 4 मिनट में, पजल डिपेंड करता है 4 से 6 मिनट, 5 से 7 मिनट, क्योंकि आपकी जो स्टार्टिंग वाली पॉसिबिलिटी है वो कभी भी कैंसिल आउट हो सकती है, ठीक। ये पॉसिबिलिटी कैंसिल हो गई। अब मैं क्या करूंगा, कंफर्मेशन के साथ चलूंगा। ये क्या हो जाएगा बच्चे, बी 1 2 3 4 यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए। बी के जस्ट बाद क्या हो जाएगा बच्चे, रेड। अब ब्लू मेरा यहाँ भी आ सकता है, एक छोड़कर ब्लू मेरा यहाँ भी आ सकता है। अगर मैंने ब्लू को बेटा यहाँ पे किया तो ए ब्लू में कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 है ना, तो फिर बी और सी में 6 आने चाहिए और 6 बीच में हो नहीं सकते, क्यों, टोटल तो 7 डेज है, तो बीच में मैक्सिमम 5 हो सकते हैं या 5 से कम, 6 बीच में नहीं आ सकते। अगर आप ब्लू को यहाँ लोगे तो ए ब्लू में 5 होगा तो बी और सी में 6 आने चाहिए जो कि हो नहीं सकते, इसलिए ब्लू यहाँ ना होकर यहाँ पे ब्लू हो जाएगा। ए ब्लू में 1 तो बी और सी में 2 आएंगे, बी यहाँ पे है तो ऊपर सी ना होकर सी यहाँ पे होएगा। अब सी से पहले वाइट यहाँ भी हो सकता है, वाइट यहाँ भी हो सकता है, जबरदस्ती नहीं करेंगे, मंडे वाइट था नहीं, होल्ड ऑन। जब कोई चीज फिक्स ना हो पाए और आगे की कंडीशन बची हो तो उसको होल्ड पर रखिए। आगे देखो, ई से पहले डी है, ई यहाँ पे होगा नहीं सैटरडे, ई यहाँ रखो तो डी नहीं आएगा, तो यहाँ पे ई आएगा, यहाँ पे डी होगा और डी का क्या है दोस्तों, येलो, ठीक है। आगे देखिए, जी यहाँ पे था नहीं तो यहाँ पे जी आ जाएगा और यहाँ पे बचा हुआ आ जाएगा बेटा एफ। जी और एफ का ब्लैक और वाइट नहीं है, तो अच्छा जी का वाइट नहीं है, कैंसिल कर दो वाइट। जी का ब्लैक भी नहीं है, एफ का भी ब्लैक नहीं है, तो ए का ब्लैक हो जाएगा। जी का ग्रे नहीं है तो यहाँ पे ग्रे हो जाएगा, जिसका नेगेटिव ज्यादा दिया उसको पहले चेक किया हमने, और यहाँ पे बचा हुआ हमारा जो कलर है ऑरेंज। ये आपका पजल सॉल्व हो गया जिसमें एक पॉसिबिलिटी के आधार पे चेक कराया था। और हम जनरली देखते हैं पीओ प्रीलिम्स वगैरह में एसबीओ आईबीपीएसओ एसबी कलर को, तो उसमें क्या होता है जनरली एक पॉसिबिलिटी चेक करा के आपको आगे बढ़ाता है और विद वेरिएबल कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलता है, तो दिस इज द वे एक्चुअली, ठीक है। अगले सवाल हम देखते हैं एक बार, थोड़ा सा एडवांस लेवल का है जिसमें लेंदी इंफॉर्मेशन है। या आपका हिंदी में भी है तो एक बार आप ट्राई करेंगे, हिंदी में ट्राई करेंगे तो देखो हिंदी में, देखो जो हिंदी में ट्राई करना चाहें बेटा पॉज करके हिंदी में ट्राई करना और फिर हम इसको इंग्लिश में करेंगे, ठीक है। हिंदी में पॉज करना, ट्राई करना, ये आपका इंग्लिश में। तो सबसे पहले
आप क्या करेंगे, 7 इम्प्लॉइज़ हैं, पॉज करके आप ट्राई करिएगा, देखना कितना समय आपको लग रहा है, किस तरह से आप डन कर रहे हैं। फिर उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूँगा, सॉल्यूशन चेक करिएगा और फिर एक्सप्लेनेशन देखिएगा क्या आपने इसी तरह से किया था या कुछ इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है या नहीं है। आपको सेल्फ वैल्यूएट तो करना पड़ेगा भाई, सेल्फ वैल्यूएट तो आपको करना पड़ेगा। आ जाओ, कहता है इंस्ट्रक्शन में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एम्प्लॉयज हैं, सेम कंपनी में काम करते हैं, मीटिंग अटेंड करते हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में। डिपार्टमेंट क्या, एडमिनिस्ट्रेटिव, सिक्योरिटी, फाइनेंस एंड एचआर, डिफरेंट डे है, मंडे टू संडे। अच्छा, डिपार्टमेंट 1, 2, 3, 4 ही है, डे 7 है, पर्सन 7 है। वन एम्प्लॉय ओनली अटेंड वन मीटिंग एंड वन मीटिंग ऑन ईच डे, ठीक है। टू एम्प्लॉय किसमें है, एडमिनिस्ट्रेटिव में, सिक्योरिटी में और एचआर में, दो दो हैं, दो सिक्योरिटी, दो एचआर, दो एडमिनिस्ट्रेटिव, और एक एम्प्लॉय किससे है बेटा, फाइनेंस से। यहां से एक कंडीशन स्टार्ट हो रही है, तो पहले बेस बनाएंगे डेज का, ठीक है, बड़ा है, डरना मत। पहले करेंगे पार्ट एक, कनेक्टिंग सेंटेंस को पढ़ेंगे, जो डेफिनेट नहीं है उसका हिंट बनाएंगे, क्रॉस चेक करेंगे। आ जाओ, मैं सीधे सीधे कंडीशन से स्टार्ट होगा क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा बड़ा था, तो हमने इंट्रोडक्शन देख लिया, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। 7 डेज में हमें चीजों को अरेंज करना है। पहले करेंगे बच्चे क्या, पार्ट ए, अब पार्ट ए करेंगे तो बात को सुनो। एल अटेंड मीटिंग ऑन थर्सडे, डेफिनेट है, ठीक है। टू पर्सन बिटवीन एल एंड एचआर, एचआर के दो है ना, तो वन ऑफ द एचआर और एल के बीच में दो होने चाहिए, वन ऑफ द एचआर, क्योंकि एचआर के दो हैं एक्चुअली, सिक्योरिटी के दो, एडमिनिस्ट्रेटिव दो हैं, तो वन ऑफ द एचआर यहां पे होगा या फिर वो यहां पे होगा। थ्री पर्सन बिटवीन एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंस, और एडमिनिस्ट्रेटिव क्या है, फाइनेंस से पहले, फाइनेंस तो एक ही है ना, जो एडमिनिस्ट्रेटिव है वो दो है, एडमिनिस्ट्रेटिव क्या है, बिफोर है किससे, फाइनेंस से, एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंस में तीन है और वो पहले है, तो यहां पे एडमिनिस्ट्रेटिव, सॉरी यहां पे फाइनेंस रखेंगे तो 1, 2, 3 छोड़ के एडमिनिस्ट्रेटिव आ जाएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे फाइनेंस रखेंगे तो 1, 2, 3 छोड़ के यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे रखेंगे तो आ जाएगा, यहाँ पे रखेंगे तो 1, 2, 3 छोड़ के नहीं आएगा, तो जो फाइनेंस है यहाँ पे आ सकता है, यहाँ पे आ सकता है, यहाँ पे आ सकता है, अभी ये बात है। आगे देखो, फाइनेंस डज नॉट ऑन सैटरडे, अच्छा फाइनेंस का सैटरडे नहीं है तो फाइनेंस आपका यहाँ हो सकता है, दो पॉसिबिलिटी यहाँ पे, या फिर फाइनेंस हो सकता है यहाँ पे, ठीक। आगे देखो, नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन एल एंड फाइनेंस इज सेम एज, अच्छा एल और फाइनेंस में जितना है उतना ही है ओ और सिक्योरिटी में, ठीक है, जितना इसमें है उतना इसमें, और सिक्योरिटी क्या है, उसे पहले है, है? सिक्योरिटी बिफोर हो तो इसको सही से बनाओ फिर, सिक्योरिटी क्या है, ओ से पहले है, उतना ही सिक्योरिटी और ओ में है, जितना एल और फाइनेंस में उतना ओ और सिक्योरिटी में, ठीक है, ठीक है, ठीक है। द वन हु अटेंड मीटिंग इन सिक्योरिटी बिफोर ओ, ओ डज नॉट अटेंड मीटिंग इन एचआर डिपार्टमेंट, ओ का एचआर डिपार्टमेंट नहीं होना चाहिए, कैंसिल कर दो। क्यू मीटिंग ऑन द इमीडिएटली बिफोर एल, ओके, ओ डज नॉट अटेंड मीटिंग ऑन द डे जस्ट आफ्टर एल, ओ एल के जस्ट बाद नहीं है तो यहां पे ओ नहीं होगा। नंबर ऑफ पर्सन मीटिंग बिटवीन एल एंड पी सेम एज बिटवीन एल एंड आर, जितना एल और पी में है उतना एल और आर में, इसका मतलब क्या है, एल तो फिक्स है तो एल और पी में जितना होगा उतना एल और आर में, तो एक पहले होगा एक बाद में होगा। अब यहां पर कहता है पी क्या है, पहले है किससे,
आर से, पी पहले है, बिफोर है, किससे आर से, तो एल से पहले पी होगा और एल के बाद आर होगा, तो एल से पहले पी यहाँ हो सकता है और पी यहाँ हो सकता है, तो एल और पी में एक होगा तो एल और आर में एक होगा, एल और पी में दो होंगे तो एल और आर में दो होंगे, ओके ठीक है। एन का जो है एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में है, तो आउट ऑफ टू दो एडमिनिस्ट्रेटिव हैं, तो एक एडमिनिस्ट्रेटिव क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा, तो वन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव इज एन। आर का सिक्योरिटी डिपार्टमेंट नहीं है तो आर का सिक्योरिटी नहीं होगा, ये हमारा हो गया बच्चे पार्ट ए। अभी पार्ट ए हो गया तो पॉसिबिलिटी चेक करेंगे, फाइनेंस की दो पॉसिबिलिटी है, आर की भी दो हैं और फाइनेंस के रेस्पेक्ट में रिलेशन भी है, एल और फाइनेंस में जितना होगा उतना ही और सिक्योरिटी में होना चाहिए, ठीक है। अब सुनो, अगर मैं फाइनेंस यहां पे लेता हूं तो फाइनेंस यहां पे लेने पर एल फाइनेंस में जीरो तो ओ सिक्योरिटी में जीरो होना चाहिए। अगर आप फाइनेंस यहां पे लेते हैं, फाइनेंस एडमिनिस्ट्रेटिव में तीन है एक्चुअली, एक दो तीन, यहां पे एडमिनिस्ट्रेटिव लेते हैं और यहां पे ऐसे एडमिनिस्ट्रेटिव लेते हैं तो यहां पे एच आर लेते हैं, ऐसा करने पर ओ सिक्योरिटी में क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, एल फाइनेंस में जीरो है तो ओ यहां पे आएगा नहीं क्योंकि ओ का क्या नहीं है, एच आर नहीं है, तो ओ यहां पे आएगा नहीं, ओ यहां रखेंगे तो ओ से पहले सिक्योरिटी यहां नहीं आएगा, ओ रखेंगे ओ यहां पे है नहीं, ओ यहां पे रखेंगे तो सिक्योरिटी नहीं, तो ओ सिक्योरिटी आ ही नहीं पाएगा, ओ यहां पे रहेगा नहीं, एच आर नहीं है, ओ यहां रखोगे तो सिक्योरिटी नहीं आएगा, ओ सिक्योरिटी में जीरो है, ओ से पहले सिक्योरिटी है, ओ यहां पे है नहीं, ओ यहां पे रखोगे सिक्योरिटी नहीं आएगा, तो फाइनेंस की पॉसिबिलिटी होगी कैंसिल, हटाओ से पॉसिबिलिटी कैंसिल हो गई, फाइनेंस यहां पे डन हो गया। यहां फाइनेंस है तो एल एच आर में दो थे तो यहां पे एच आर कंफर्म है। अब सुनो, एक दो तीन छोड़ के एडमिनिस्ट्रेटिव, वन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव यहां पे हो गया क्योंकि दो एडमिनिस्ट्रेटिव है, एक एन है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अब सुनो, एल और फाइनेंस में दो है ना तो ओ सिक्योरिटी में दो आने चाहिए, ओ यहां रखोगे तो दो छोड़ के सिक्योरिटी आ जाएगा, ओ यहां रखोगे तो दो छोड़ के सिक्योरिटी नहीं आएगा, ओ यहां पे है नहीं और ओ यहां पे होगा नहीं क्योंकि ओ से पहले सिक्योरिटी, ओ यहां पे आएगा और दो छोड़ के यहां पे सिक्योरिटी आएगा। अब सुनो, ओ यहां पे आ गया तो आर यहां से कैंसिल होकर यहां पे आर आ जाएगा, एल आर में एक हो गया तो एल और पी में क्या होगा, एक होगा, ठीक है जी। एन का क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव है, आउट ऑफ टू वन इज एन इज एडमिनिस्ट्रेटिव, तो एन यहां पे आएगा नहीं, एच आर है यहां पे, एन आ जाएगा, यहां पे क्या हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव हो गया, ओके फाइन। आर का सिक्योरिटी नहीं था, आर सिक्योरिटी में दो थे ना, एक सिक्योरिटी आ चुका है, आर का ये सिक्योरिटी नहीं है तो ये सिक्योरिटी हो जाएगा और ये सिक्योरिटी हो गया तो हमारे दो एडमिनिस्ट्रेटिव हो गए, दो सिक्योरिटी हो गए, दो क्या हो जाएंगे, एच आर हो जाएंगे। और यहां पे बचा हुआ हमारा पर्सन कौन सा है भाई साहब, पर्सन है हमारा बचा हुआ एम, आई थिंक एम, तो एम यहां पे हो जाएगा। तो ये आपका हो गया बच्चे सॉल्यूशन। तो लेंदी था लेकिन ऐसा नहीं है, अगर हम चीज़ों को करते हैं तो पॉसिबिलिटी चेक करनी पड़ी और ऐसा करने से आप रिदम में डेली बेसिस पे आपको प्रैक्टिस में आना होगा। मैं भी प्रैक्टिस में आने की कोशिश कर रहा हूँ कि डेली बेसिस पे मैं आपको पजल दे पाऊँ और डेली बेसिस पे आप भी कोशिश करें, वीडियो जैसे ही पॉज करके तुरंत अपने आप से ट्राई करें, फिर सॉल्यूशन देखें और कम समय में ज़्यादा रिजल्ट की अपेक्षा हम भी कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं। और आप एक बार कहते हैं ना कि जैसे हम 75 दिन तक या 100 दिन तक या 50 दिन तक लगातार हम जिम गए या कोई भी हमने वर्कआउट किया, कुछ भी हमने काम किया, तो उसका रिजल्ट धीरे धीरे आता है, एकदम से नहीं आता। आप स्टार्ट कर दो बस, मेरे को डेली ये दो पजल करनी है और सीखना है, आप डेफिनेटली, मैं कह रहा हूँ 15-20 दिन का समय दीजिए, 15-20 दिन के बाद एक कहीं ना कहीं चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे और जो चेंजेस डबल होते चले जाएंगे। तो पहली बार जो जुड़े हैं इस चैनल पे सब्सक्राइब जरूर करिएगा और फ्राइडे को हम क्रिटिकल लिसनिंग का मैराथन लेके चल रहे हैं शाम 8 बजे, जरूर जुड़िएगा लाइव। थैंक यू सो मच, राधे राधे।